चलिए तो बॉयज एंड गर्ल्स, आज हम लोग का पहला क्लास है। पहला क्लास किसका? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ क्या बाबू? गुडविल। कितना मार्क्स का आएगा? 10 मार्क्स। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के साथ ऑप्शन में क्या रहेगा? वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। कितना मार्क्स का आएगा बोलो? 10 मार्क्स। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आज पहला क्लास है गुडविल का, तो जिसमें हम लोग देखिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर दोनों ही एग्जाम में आएगा। दोनों में से कोई एक करना रहेगा 10 मार्क्स का। कितना मार्क्स का बाबू? 10। बात समझ रहे हो ना? तो देखो दोनों में से कोई एक चैप्टर अच्छा से करिए, बस बेरा पार लग गया। तो हर चैप्टर हर यूनिट में ना यूनिवर्सिटी वाले लोग क्या किया, कुछ ना कुछ ऑप्शनल चैप्टर दिया है, इसीलिए आप दोनों चैप्टर जैसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग स्टार्टिंग में कर रहे हैं, तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर लास्ट में करेंगे। बस समझिए, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए रेडी, चलो कॉपी में हेडिंग दीजिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखो गुडविल होता क्या है, गुडविल बोलते किसको है और गुडविल का मतलब क्या है। तो भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो गुडविल का मतलब क्या है, देखिए गुडविल का मतलब होता है गुडविल रेफर्स टू द रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंग्लिश में एक बड़ा अच्छा लाइन बोला गया कि गुडविल इज द रेपुटेशन दैट हेल्प्स यू टू अर्न सुपर प्रॉफिट। ये बहुत सुंदर लैंग्वेज है। गुडविल आपका रेपुटेशन है, गुडविल आपका इज्जत है, जिसके कारण आप सुपर प्रॉफिट कमाते हो। सुपर प्रॉफिट मतलब एक्स्ट्रा। आज के क्लास में सिर्फ आपको हम लोग मीनिंग बताएंगे और मेथड बताएंगे और फॉर्मूला बताएंगे। अगला क्लास से मार्ट सम्स एकदम पगला कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? पगला, या फिर खुद बनाते बनाते पगला हो जाओगे, ठीक है? तो बताइए गुडविल क्या होता है, जल्दी बोलो। रेपुटेशन। गुडविल क्या होता है बोलिए? रेपुटेशन, जिसके कारण आप क्या कमाते हो, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं सुपर प्रॉफिट। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप सोचो जैसे आप लोग का एरिया में कोई दुकान है छोला भटूरा का, तो वहां पे मान लीजिए आप 20 रुपया में दो डो छोला भटूरा या 4 छोला भटूरा खा सकते हो। वही लेकिन अगर हल्दीराम में जाते हो तो आप 150 रुपया पे करते हो। वाई यू पे द एक्स्ट्रा मनी? यू डोंट पे द एक्स्ट्रा मनी टू द शॉप सेलर। आप जो दुकान वाला आदमी है उसको आप पैसा नहीं दे रहे, आप किसको पैसा दे रहे बताइए? यू आर पेइंग फॉर द रेपुटेशन। आप किसके लिए पे कर रहे बताओ? रेपुटेशन। आपका एरिया में कितना सारा KFC जैसा ब्रांड होगा ना, TFC, MFC, GFC, AFC। अब तो हर जगह वो लोग मतलब तो ब्रांडिंग कॉपी करने का आदत हो गया, वहाँ के प्रोडक्ट बनाते जा रहा। लेकिन आप मान लीजिए 100 रुपया में 10 चिकन पकौड़ा आपको मिल जाएगा, लेकिन आप फिर भी जाते हो KFC में 800 रुपया में छोटा छोटा 2-4-5 पीस के लिए 800 रुपया पे करके आते हो, 1000 रुपया पे करके आते हो। वाई? यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट, यू आर पेइंग फॉर द गुडविल। आप किसके लिए पैसा देते हो बोलो? गुडविल के लिए। आप हम लोग पैसा किसके लिए देते, समझिए जैसे बात समझिए। अगर मान लीजिए ओप्पो फोन का 1 लाख रुपया हमसे कोई मांगे तो हम नहीं देंगे, सोच के देखिए। या आपसे कोई बोलेगा, या आप लोग में से कोई स्टूडेंट मान लीजिए एक दिन फोटो खींचा मेरा, तो हम लोग बहुत अच्छा फोटो आया, हम लोग कौन सा फोन है, बोले भैया ओप्पो का फोन है। हम लोग कितना रुपया का फोन है, तो आप बोले 1 लाख का फोन है, हम आपको मन में 4-5 हो सकता है गाली दे दे। बस अब हाई चांसेस है कि 4-5 मन में गाली देगा, मुंह पे तो कोई किसी को गाली देता नहीं, ये दुनिया का रूल है। तो मन में हो सकता है 4-5 गाली हम भी दे दे और जो सुनेगा वो भी गाली दे दे कि क्या बड़ा डैश है। अब क्या लगा हम क्लास में गाली देंगे? नहीं, पूरा ओसो आवाज में पढ़ा रहे ना बाबू, तो एक्टिव है। तो क्या बोले, क्या बड़ा डैश है। बात समझे ना, कि बेटा 1 लाख रुपया दे के आया किस चीज के लिए? ओप्पो का फोन के लिए, क्योंकि ओप्पो का इज्जत ही इतना नहीं कि उसको 1 लाख दिया जाए। बट फॉर द आईफोन यू आर रेडी टू पे 1 लाख रुपीज। आईफोन के लिए अगर 1 लाख या 10 लाख भी आदमी दे देता है तो कम है अब। बात समझिए, तो ये यहां पर क्या होता है ना, दैट्स ऑल अबाउट द रेपुटेशन, एंड योर रेपुटेशन मेक्स यू नो हेल्प्स यू टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट। अब एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हो तो किस लिए कमाते हो? बिकॉज ऑफ रेपुटेशन। अब सोच के देखो ना, जिस जमाना में हर फोन 1000 में, 10000 में, 5000 में फोन मिल रहा, उस जमाने में भी एप्पल अपना प्राइस कभी कम ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसको पता है कि मेरा मार्केट रेपुटेशन बहुत ही हाई। जिस दिन सब अपना प्राइस कम कर देगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? कम। याद रखिएगा, तो गुडविल कुछ ऐसा ही होता है। बट ये जितना भी चीज आपको बताए, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ये सब पूछेगा ही नहीं। एग्जाम में क्या पूछेगा बताइए? सम्स। डायरेक्ट क्या पूछेगा बाबू? सम्स। ये कॉन्सेप्ट हो गया, बैकग्राउंड हो गया कि आप बनाने क्या जा रहे हो। जैसे हम लोग शेयर का चैप्टर किए तो उसमें करने क्या जा रहे हैं हम लोग, तो वही करने क्या जा रहे हो वो आपको हम बता दिए। रियलिटी में तो आपको डायरेक्ट सम्स बनाना है। तो ये सब थ्योरी पूछने वाला आपसे नहीं है। फिर भी नाम के लिए पहला लाइन खाली लिख दीजिए, गुडविल इज द रेपुटेशन। कल अगर आप किसी को बताओगे तो हेल्प होगा आपको। एग्जाम टाइम में बाबू को पढ़ाते हो ना फोन पे, तो हेल्प होगा। देखिए गुडविल इज द रेपुटेशन, गुडविल इज द रेपुटेशन That helps to earn, goodwill is the reputation that helps to earn, कैसा profit बोलो? Super profit. Oh my God, कैसा profit बोलो? चले चलिए अब आते हैं formula में, मार दिए। अच्छा बाबू, गुडविल निकालने का 4 मेथड है। कितना मेथड है बताइए? 4।
वैसे तो बहुत सारा मेथड है, चार अलग अलग मेथड आपको हम लोग बताएंगे यहाँ पे। कितना मेथड बताएंगे वो? चार। वैसे मेथड बहुत सारा है, बात समझे ना। अगर तोड़ उसी एक ही चीज़ को अगर तोड़ दे तो पाँच छः मेथड भी बन जाएगा। देखते हैं कितना मेथड बन पा रहा। स्टार्ट करें, बात समझे। चलो, पहला जो मेथड है उसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या नाम है बोलो? बोलिए ना, कम ऑन बोलो यार। एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे निकालिएगा? एवरेज प्रॉफिट मेथड अभी उतारिए मत, समझ लीजिए, फिर मैं उतार। आज का क्लास में उतना लिखना नहीं है, सम सिंपल है आज का क्लास ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट। सपोज आप कोई फर्स्ट क्लास नहीं किया तो सेकंड क्लास उसको समझ नहीं आएगा, फिर बोलेगा मैं कहाँ हूँ माँ। देखिए, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा बताइए। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, प्लीज समझिए ना, प्लीज, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्वेश्चन में ना लिखा रहेगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, क्वेश्चन में ना लिया रहेगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या एवरेज नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया रहेगा? हाँ दिया रहेगा, हाँ दिया रहेगा, हाँ। और क्या एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया रहेगा? ना, सब दे ही देगा तब तो ये क्लास 11 वाला क्वेश्चन हो जाएगा। सोच के देखिए, सब कुछ अगर दे ही देगा तो ये कैसा क्वेश्चन हो जाएगा बताओ? क्लास 11 वाला। तो सर एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? खाली फॉर्मूला है, इसमें खाली फॉर्मूला है। एवरेज प्रॉफिट मीन्स टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर नंबर ऑफ ईयर्स, देखिए नंबर ऑफ ईयर्स अलग है, नंबर ऑफ ईयर परचेज अलग। नंबर ऑफ ईयर परचेज मतलब हो गया कि कितना साल के लिए गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है, यह आपको निकालना है। और नंबर ऑफ ईयर्स मतलब प्रॉफिट कितना साल का दिया हुआ। सपोज चार साल का प्रॉफिट दिया हुआ, तो सारा प्रॉफिट को जोड़ के कितना से डिवाइड दीजिएगा? चार। पाँच साल का प्रॉफिट दिया हुआ था, सारा प्रॉफिट जोड़ के कितना से डिवाइड दीजिएगा? पाँच। सपोज दस साल का प्रॉफिट दिया, सारा प्रॉफिट जोड़ के कितना से डिवाइड दीजिएगा? दस। यस और नो गाइस? ये हो गया एवरेज प्रॉफिट, उतारिए। ये एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया। हो गया क्या? देखिए अभी जो हम लोग लिख रहे हो सब बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला समझ रहे, मतलब स्ट्रेट फॉर्मूला लिख रहे। अब इसके अलावा जब सम्स करेंगे तो बहुत सारा नया नया चीज भी आएगा, समझ रहे। उसके लिए मेंटली एकदम प्रिपेयर रहिए। हो गया बाबू, अब आइए नेक्स्ट पेज में कर दे, उतार लीजिए पहले ऑनलाइन वालों, जल्दी कमेंट करो हो गया कि नहीं, उतारिए। हो गया, चले। देखिए हो गया क्या? आ जाओ, अब आते हैं अगला मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट, इसमें फॉर्मूला ना बाबू थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा बताइए? सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो क्या नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया रहेगा? हाँ, नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑलवेज दिया रहेगा, समझे ना। सुपर प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा, अगर दे दिया तो अच्छा बात है, बट नहीं दिया रहता है। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे? प्लीज बोर्ड में ध्यान दो ना, बात तो बाद में भी कर लोगे, बाद में उतार लेना, समझ लो। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? सुपर प्रॉफिट का भी अपना एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है बताइए? एवरेज प्रॉफिट या फिर एक्चुअल प्रॉफिट भी बोलते हैं, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओ माय गॉड, क्या क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया रहेगा? जरूरी नहीं, नहीं दिया रहेगा तो कैसे निकालोगे? अभी तो सिखाए थे, वैसे निकालोगे, टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। क्वेश्चन में क्या नॉर्मल प्रॉफिट दिया रहेगा? जरूरी नहीं, अगर दे दिया तो अच्छा बात है। नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट में फर्क क्या? आप सोचते होंगे कि नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट फर्क क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जितना हमको नॉर्मली कमाना चाहिए था। सपोज नॉर्मली हमको 50,000 कमाना चाहिए था,
लेकिन हम कमा लिए 70,000। तो ज्यादा क्यों कमा लिए बताइए? बिकॉज ऑफ गुडविल। याद रखिएगा, अगर एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर कोई बिजनेसमैन एक्स्ट्रा पैसा कमा रहा है तो वो उसका रेपुटेशन, आप सोचो ना, कोई एरिया में देखोगे कि आप सोचो, वही जो आपको एग्जांपल स्टार्टिंग में ही दिए कि हम लोग ओप्पो वीवो के लिए 50,000 लाख रुपया तक देने के लिए मेंटली प्रिपेयर ही नहीं, क्योंकि उसका वैल्यू कस्टमर की नज़र में उतना है ही नहीं। लेकिन एप्पल का वैल्यू है, एप्पल के लिए आदमी 10 लाख भी दे देता है, एप्पल के लिए आदमी 10 लाख भी देने को रेडी हो। अगर कोई एप्पल का फोन 10 लाख का लाएगा तब भी ट्रस्ट कर लेगा, लेकिन अगर आप किसी को बोलोगे कि हम ओप्पो का फोन या वीवो का फोन या फिर पोको का फोन 10 लाख में लिए, पोको मेरा जिससे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बस हाँ, तो पोको का फोन अगर 10 लाख में लिए तो ये सब आदमी ट्रस्ट करने वाला बात है, बताइए? ट्रस्ट करने वाला बात नहीं। सोच के देखिए, तो दैट इज ऑल द इम्पैक्ट ऑफ रेपुटेशन, रेपुटेशन। तो रेपुटेशन का बात है, बात समझे ना। अब सुपर प्रॉफिट मतलब क्या क्या होता है भाई? सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मतलब जो एक्चुअल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जो आपको नॉर्मली कमाना चाहिए था। तो नॉर्मल प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालेंगे? हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट जैसे हम लोग निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, किस तरह से निकालते हैं, देखिए नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैसे क्या होगा, देखिए, कैपिटल इंप्लॉयड इंटू रेट ऑफ रिटर्न दिया रहेगा क्वेश्चन में, रेट ऑफ रिटर्न दिया रहेगा। अब कैपिटल इंप्लॉयड दे भी सकता है और नहीं भी सकता, तो कैपिटल इंप्लॉयड नहीं दिया रहा तो कैपिटल इंप्लॉयड आपको निकालना पड़ेगा। कैपिटल इंप्लॉयड निकालने का बहुत सारा तरीका होता है, वो क्वेश्चन पे इन्फॉर्मेशन टू इन्फॉर्मेशन वेरी करता है, तो जब सम्स आएगा तो उसके हिसाब से हम लोग निकालेंगे। तो कैपिटल इंप्लॉयड डिपेंडिंग ऑन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, यहाँ पे लिख दे रहे डिपेंडिंग ऑन इन्फो, इन्फो मतलब इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन का जैसा इन्फॉर्मेशन रहेगा उसके हिसाब से इसको निकाला जाएगा कैपिटल इंप्लॉयड को। बहुत बार कैपिटल इंप्लॉयड दे भी देता है तो अच्छा बात है, दे दिया तो अच्छा बात। बहुत ही सबसे स्ट्रिक्ट तरीका होता है एसेट माइनस लाइबिलिटीज, सबसे स्ट्रिक्ट तरीका होता है कैपिटल इंप्लॉयड का, क्या वो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, बट उसमें भी बहुत सारा यूनिक ट्रीटमेंट्स होते हैं जो सम्स आएंगे तभी आपको हम बता पाएंगे, अभी ओरली बोलेंगे तो आप समझोगे नहीं। तो डिपेंडिंग ऑन इन्फो, डिपेंडिंग ऑन, तो कुछ सवाल है मेरा बताओ जल्दी। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या? कैपिटल इंप्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। क्या कैपिटल इंप्लॉयड क्वेश्चन में दिया रहेगा? जरूरी नहीं, अगर नहीं रहेगा तो कैसे निकालेंगे? डिपेंडिंग ऑन इंफॉर्मेशन, डिपेंडिंग ऑन इंफॉर्मेशन। छापिए ईयर्स परचेस, चले चेंज कर दे क्या? हो गया, आगे आगे करें? चले क्या? चलिए,
इसके बाद कौन सा मेथड है भाई? तो देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया, क्वेश्चन में मेंशन कर देगा आपको कि कौन सा मेथड से निकालना है। एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया, सुपर प्रॉफिट मेथड हो गया, उसके बाद कौन सा मेथड है बताइए। अब देखिए बहुत सारा मेथड होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है, क्या एन्यूटी मेथड होता है। अब देखिए तीसरा नंबर है एन्यूटी मेथड का, एन्यूटी मेथड इससे एक ही बार क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें क्या करेगा कि बहुत ईजी है, बस खाली क्वेश्चन में सब कुछ दिया रहेगा, आपको लिख देना है। एन्यूटी मेथड का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू एन्यूटी वैल्यू। एन्यूटी जो है ना इंटरेस्ट फैक्टर होता है, समझे ना, इंटरेस्ट फैक्टर करके कैलकुलेशन करके जब आप सिम सिक्स में जाएंगे ना तब आपको एक्जैक्टली इसका मतलब समझ आएगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोल के एक कॉन्सेप्ट होता है जिसपे आपका एन्यूटी निकाला जाता है। एन्यूटी मतलब होता है इंस्टॉलमेंट का वैल्यू निकाला जाता है कि प्रेजेंट वैल्यू इतना है तो फ्यूचर वैल्यू कितना होगा, तो वो आपको निकाल के इंटरेस्ट फैक्टर दे देगा यहाँ पे क्वेश्चन में ना, एन्यूटी का वैल्यू दे देगा आपको, बस सुपर प्रॉफिट से इंटू करना है, आंसर आपको आ जाएगा बस। उसके बाद क्या है, जैसे एक्चुअली इसका यूज़ क्या होता है, जैसे एन्यूटी का यूज़ होता है कहाँ पे आपको बताते हैं, देखिए जैसे पेंशन होता है, पेंशन में क्या होता है, पेंशन स्कीम होता है। पेंशन का मतलब क्या होता है कि जब हम रिटायर हो जाएंगे तो रिटायरमेंट के बाद हमको रेगुलर बेसिस में कितना पैसा मिलेगा, तो इसको बोलते हैं एन्यूटी। उसके लिए हम लोग इंस्टॉलमेंट में पेमेंट भी तो करना पड़ेगा, तो एन्यूटी का मतलब हो गया एक रेगुलर पेमेंट। रेगुलर क्या हो गया, वो पेमेंट। तो एन्यूटी का जो फैक्टर होता है ना, इंटरेस्ट फैक्टर टाइम वैल्यू में कन्वर्ट करके, वो वैल्यू आपका दिया रहेगा क्वेश्चन, आपको बस किससे इंटू करना है बताइए, सुपर प्रॉफिट से। ये हो गया एन्यूटी मेथड। अगला कौन सा मेथड बाबा? अगला मेथड है देखो, दो इसमें दो मेथड होता है, एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, याद रखिएगा। एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, मतलब वो कैपिटलाइजेशन मेथड की जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया वैसे कैपिटलाइजेशन। अब देखिए अगला मेथड का नाम है, अच्छा इसको लिख ही लीजिए ना, पहले लिख लीजिए एक लाइन का, तो फिर लाइन बाय लाइन रहेगा। हो गया, अब आइए कैपिटलाइजेशन मेथड। अब इसके अंदर भी दो कैटेगरी है, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसी को तोड़ करके दो मेथड बना देंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर भी दो मेथड है, एक तो एवरेज प्रॉफिट, एक तो सुपर प्रॉफिट। इसको अलग अलग इंडिपेंडेंटली लिख देते हैं तो और ज्यादा हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला क्या है भाई? इसका गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है? देखिए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हो गया, अब इसका आपको गुडविल निकालना, कैसे निकालिएगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस, देखिए क्वेश्चन में कैपिटलाइज्ड वैल्यू हो गया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स, नेट एसेट्स। अब फिर यहां पे क्वेश्चन है कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब क्या है, तो कैपिटलाइज वैल्यू का आपको फॉर्मूला पहले सीखना होगा कि व्हाट इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज वैल्यू का क्या मतलब है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू इसका मतलब क्या हो गया। तो कैपिटलाइज वैल्यू का क्या मतलब है, देखिए कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब इसका भी फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट बाय रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ क्या बाबू, रिटर्न, एवरेज प्रॉफिट बाय रेट ऑफ रिटर्न। नेट एसेट का भी फॉर्मूला है, खाली फॉर्मूला ही है इस चैप्टर में। नेट एसेट का क्या फॉर्मूला हो गया भाई? तो नेट एसेट का मतलब सारा एसेट, ऑल एसेट्स माइनस, इसमें से कुछ कुछ एसेट माइनस कर देंगे, जैसे फिक्टिशियस एसेट। अब ये अब फिर आपके मन में क्वेश्चन है, फिक्टिशियस एसेट क्या है? नहीं, फिक्टिशियस एसेट सुने होंगे आप, फिक्टिशियस एसेट का मतलब होता है कुछ ऐसा एसेट्स है ना जो एसेट नहीं है, बस उसको एसेट माना गया, फिक्टिशियस। समझे ना, ऑल एसेट्स में से, ऑल एसेट को नेट एसेट बोलिएगा, बट ऑल एसेट में से क्या क्या चीज माइनस कर दोगे बताओ? फिक्टिशियस एसेट माइनस कर दोगे, गुडविल माइनस कर दोगे, गुडविल तो निकाल ही रहे ना, इससे गुडविल माइनस हो जाएगा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस हो जाएगा। अगर दे दिया क्वेश्चन में तो अच्छा बात है, नहीं तो निकालना पड़ेगा आपको इसे माइनस करके। तो सब कुछ तो ठीक है, बट यहां पर फिक्टिशियस एसेट क्या हो गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फिक्टिशियस एसेट? फिक्टिशियस एसेट में दो तीन आइटम आता है, सुन लीजिए बार बार, आगे भी टॉपिक में काम आएगा आपका, हर चैप्टर में ही काम आएगा। फिक्टिशियस एसेट वो होता है ना जो एसेट है नहीं, बस उसको अकाउंट्स में जबरदस्ती एसेट माना गया।
These are not actually the asset, but these are being considered as the asset. ये लोग asset नहीं है, ये लोग को asset के जैसा माना गया है. जैसे कि profit and loss account, debit balance, जैसे कि preliminary expenses. क्या बाबू? Preliminary. Yes. जैसे एक होता है miscellaneous expenditure. ये सारा कुछ कॉमन ऐसे आइटम्स है जिसमें एसेट वाला कोई भी क्वालिटी नहीं, बट फिर भी उसको अकाउंट्स में क्या माना गया बाबू? एसेट. हम पूरा आपको फॉर्मूला एग्जॉस्टिवली लिखा दिया, पहले इसको उतारिए फिर बात करते हैं. नहीं, इंटेंजिबल एसेट अलग चीज है, गुडविल हो गया इंटेंजिबल एसेट. यही था ना, उतारिए फिर बात होगा. खाली फॉर्मूला का क्लास है आज, खाली फॉर्मूला. आप क्या सोच के आए थे? वो एक ही यूनिट है ना, तो फिर उसी में रह जाती है. दूसरा यूनिट वो 10 मार्क्स में ही अभी हम लोग रहते हैं ना. 10 हो गया सर, 20 मार्क्स का. नहीं तो उसमें बोनस शेयर, अंडर राइटिंग, हाँ. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करा दीजिए. इंटरनल हम आज ही कराने, आज नहीं इसके बाद करेंगे. ठीक बोला, ज़्यादा स्कोर का हो रहेगा ना, पहले ज़्यादा था मार्क्स वाला, फिर डिवेंचर कंपलसरी चैप्टर्स पहले हो गया क्या? डिवेंचर फाइनल अकाउंट देख, हो गया. रिटर्न नहीं बाबू, ये एक सब्जेक्ट में नहीं होता. हो गया? नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा. हो जाए तो बताइएगा. नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ये सब लिख लियो ना, अच्छा से नोट्स बनाओ, एकदम साफ सुथरा. बस एक मेमोरीज रहना चाहिए ना कि हम लोग पढ़ाई किए थे कभी जब किसी जमाना में. पैसा नहीं है बाबू, कौन मांग रहे हो उसका? देखिए हो गया क्या? आगे चले? नहीं सर. बहुत स्लो लिख रहे हो आप लोग, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए. हो गया? आप ना सब फॉर्मूला पढ़ गया ना. देखो क्योंकि इसका रीजन क्या है, इसे जरूरी नहीं कोई भी समझे, कोई भी फॉर्मूला मेथड बोल देगा, तो आपको तो बस सारा मेथड रेडी रहना चाहिए.
তারপরে আগলা ক্যাপিটালাইজেশন, ক্যাপিটালাইজেশন অফ সুপার প্রফিট, ক্যাপিটালাইজেশন অফ সুপার প্রফিট ফর্মুলা কী হওয়া বাবু, গুডউইল নিকালনে কা, সুপার প্রফিট বাই রেট অফ রিটার্ন, বস কি বহুত ইজি, রেট অফ রিটার্ন इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट बाय रेट ऑफ रिटर्न, खत्म। क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं चले, लास्ट लिखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ये एवरेज प्रॉफिट के अंदर ही आता है बट अलग से आपको लिखवा दे रही, इसे समझने में सुविधा होगा, कभी कभी बोलेगा वेटेड एवरेज निकालो, एवरेज प्रॉफिट जैसे था ना वैसे ये भी होगा, बस उसमें वेट का इंपैक्ट आ जाएगा। अभी वेट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वेट, तो देखिए वेट रेफर्स टू द वैल्यूज, वेट रेफर्स टू द नंबर्स व्हिच आर गिवन टू शो द वैल्यूज, वेट किसी भी चीज को ना वेट क्यों दिया जाता है, वेट का मतलब स्टैटिस्टिक्स के लैंग्वेज में होता है वैल्यूज, जो हम लोग देते हैं उसका इंपॉर्टेंस को शो करने के लिए, बात समझिए। जैसे मान लीजिए तीन लोग आपके सामने खड़े हैं, ए बी और सी, इसको रैम मार्क्स मिला 5, इसको मार्क्स मिला 7, इसको मार्क्स मिला 3, इससे मतलब क्या पता चल रहा कि सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस इसका है बी का, तो ये 7 क्या हो गया एक तरह से इसका वेट हो गया, ये 5 क्या हो गया इसका वेट हो गया, 3 क्या हो गया इसका वेट हो गया, तो इस तरह से क्वेश्चन में ना एक तो नंबर दिया रहेगा, उस नंबर को बोलते हैं वेट, क्या बोलते हैं बाबू वेट, क्लियर है गाइस, आपको लेगा वेटेड एवरेज निकालो, एक ही बार आया था उनकी वेट वाला सम 19 का ऑनर्स में, तो वेट वाला निकालो ना, कौन वाला, आओ वेट वाला कराते, सेम फॉर्मूला। अच्छा एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था बोलिए, गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर, सेम फॉर्मूला वहां पे एवरेज प्रॉफिट का जब क्या वेटेड एवरेज, वेटेड इनटू नंबर ऑफ इयर्स, कोई दिक्कत, फिर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था बताइए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, तो यहां पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा प्रॉफिट विथ वेट्स, मतलब प्रॉफिट में वेट का इंपैक्ट आएगा, कैसे आएगा तो सम्स करोगे तो समझोगे, डिवाइडेड बाय टोटल वेट, टोटल वेट, कॉपी कर लो, इसको नहीं भी लिखाते अलग से तो एवरेज के साथ आपको समझा सकते थे, लेकिन फिर भी लिख दिए, कभी काम आएगा, मारो कॉपी में, अभी हम क्लास में ना, वो क्लास का एग्जाम चल रहा, फ्री होके फोन करेंगे आपको, हो गया ना, आप इतना फॉर्मूला, अब आज हम लोग समझ नहीं कर रहे, हॉचपॉच हो जाएगा, आप इतना फॉर्मूला एक बार रीडिंग करके खाली आएगा, याद नहीं मत करिएगा, रीडिंग खाली के लिए कौन सा क्या लिखा हुआ है, बस बैक टू बैक हम लोग क्या मारेंगे सम्स।